हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उड़ान कला का महाकुंभ ने दिल्ली के सुप्रसिद्ध हंसराज कॉलेज में अपनी मातृभाषा के प्रति अपनी भाव को विभिन्न माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज की ही पूर्व स्टूडेंट रही वह हिंदी अध्यापिका सुप्रिया गुप्ता इन्होंने किया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन कर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रमा कवि राजेश चेतन, देशबंधु गुप्ता, पवन कंसल, प्रकाश चंद्र जैन, मुकेश गुप्ता, प्रदीप मंगल, मनोज गुप्ता, दीपक गुप्ता, उड़ान संस्था के प्रधान गिरीश गुप्ता व सभी उड़ान ट्रस्टी उपस्थित रहे। हिंदी है हम महोत्सव में भारतीय सभ्यता और हिंदी भाषा से ओतप्रोत कई भव्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जैसे विश्व विख्यात पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नंदिनी शर्मा ने अपने ग्रुप ब्रह्म स्वरूप कला निकेतन की ओर से कथक के माध्यम से शिव तांडव कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसके बाद उड़ान कला का महाकुंभ की ओर से हिंदी इतिहास और साहित्य पर एक चित्र कथा इसकी प्रस्तुति की गई और इस प्रयास को सभी हिंदी प्रेमियों से खूब सराहना मिली। कार्यक्रम में म्यूजिक वाले संस्था के विद्यार्थियों ने मंत्रमुग्ध करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, तो वही दूसरी ओर द हिंदू कैफे के संस्थापक कौशलेश राय जी वर्क बोर्ड की सच्चाई को जनता के सामने रखी। इसके बाद विश्व विख्यात कवि राजेश चेतन जी के संचालन में अद्भुत कवि सम्मेलन कराया गया। ऐसे प्रोग्राम तो होते रहने चाहिए, ये हिंदुस्तान का नाम को आगे बढ़ाएगा और हमको हिंदू होने पर बहुत गर्व होगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि साल में हमें एक नहीं चार प्रोग्राम करने चाहिए ऐसे, और जगह जगह करने चाहिए। दिल्ली के अलावा भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और आगे हमें प्रोग्राम करने चाहिए। इसके लिए शायद हम दोषी ज़्यादा हैं। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हिंदी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और हमारा शिक्षा का सिस्टम भी जो है थोड़ा सा अंग्रेजी वाला हो गया है। तो इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी हमें ले कर आना चाहिए और बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि प्रोत्साहन हो उनके अंदर और वो भी हिंदी को सीखने की कोशिश करें। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।